नीमच निकाय चुनाव में मारपीट, वार्ड 11 के बूथ क्रमांक 34 के बाहर निर्दलीय उम्मीदवार को पीटा, पीड़ित ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। नगरीय निकाय चुनाव मतदान के दौरान अलग अलग वार्ड के पोलिंग बूथों पर वाद विवाद और मारपीट तक के मामले भी सामने आए हैं। एक मामला नीमच के वार्ड क्रमांक 11 के बूथ क्रमांक 34 के बाहर का सामने का है। यहां वार्ड क्रमांक 11 के भाजपा अधिकृत उम्मीदवार मिश्रीलाल रियार और उनके समर्थकों पर निर्दलीय उम्मीदवार परसराम ग्वाला ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कैंट थाने पर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ नाम दर्ज शिकायत दर्ज कराई है। परसराम ग्वाला ने बताया कि वह ग्वालटोली का निवासी होकर वार्ड 11 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। उसे फॉर्म उठाने के लिए भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार और जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भी कई बार दबाव बनाया, लेकिन मैंने फॉर्म नहीं उठाया। इसी बात से नाराज होकर भाजपा के उम्मीदवार मिश्रीलाल रियार और उनके समर्थकों ने मारपीट की। मैं सुबह से ही अपने मतलब मतदान की तैयारी कर रहा था, अपने मतदाताओं और अपने कार्यकर्ताओं से सब, और मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपने गायत्री मंदिर के वहाँ बैठा था। ये लोग जबरदस्ती आए, गाली गुप्ता कर लगे, तो मैं वहाँ से उठ गया, मेन रोड से अपने घर की तरफ आने लगा। ये 15-20 जनों में मिश्रीलाल रियार जो पार्षद पूर्व था और अभी लड़ रहा है, उसके बच्चों ने, इसकी छोरी ने, इसकी औरत ने, इसकी घरवाली ने, इसकी भाभी ने, 15-20 पप्पू हलवाई ने, सबों ने मेरे साथ एक साथ हमला करा 15-20 जनों ने, और मेरे माथे पर यहाँ पे चोट आई और मेरे 10,000 भी निकाल लिए। मैं वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रहा हूँ पार्षद का, और बूथ क्रम अपना 34 नंबर है, और इन्होंने मेरे से जान से मारने की धमकी दी। बोले हार जाऊँगा तो तेरे जान से मार दूँगा, और तू अभी यहाँ ग्वालटोली रुक के बता दे, तो मैं सीधा कैंट थाने आया हूँ। वहाँ से किस बात का विवाद है ये? वो हारने की, वो बिल्कुल हार रहा है, वो मेरे से खींच उतार रहा है। मैं पार्टी से निर्दलीय लड़ रहा हूँ, पहले भाजपा पार्टी से था, तो मैं अब चुनाव मेरे को टिकट नहीं दिया तो मैं अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। अब ये कह रहा है निर्दलीय तू मत लड़े, मैंने क्यों नहीं लड़ा भाई? हमारा लड़ने का, लड़ेंगे हम जी। तो मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, तो मेरा अधिकार क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये मेरे को विधायक, जिलाध्यक्ष, ये सब मेरे को धमकी दे रहे थे कि फॉर्म उठा ले, मैंने नहीं उठाया। उसके बाद भी दे रहा था, ऐसा बीच में सामने आया था कि आपने जो है निर्दलीय उम्मीदवार पंकज श्रीवास्तव को समर्थन दिया। हाँ, मैंने समर्थन दिया। आप चुनाव लड़ रहे हैं या समर्थन में हैं? मैं चुनाव लड़ भी रहा था और मैं उनको समर्थन कर रहा हूँ। तो मेरे जितने भी वोटर हैं, जितने भी मेरे मिलने वाले हैं, मैं पंकज श्रीवास्तव को गिरवा रहा हूँ वोट। मेरा पूरा सहयोग, चुनाव में लड़ रहा हूँ निर्दलीय, बाकी मैंने फॉर्म नहीं उठाया। बाकी जो मेरे वोट आ रहे हैं सीधे पंकज श्रीवास्तव को जा रहे हैं। अभी आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? मैंने यहाँ अब कैंट थाने आया था, मेरे साथ मारपीट करी थी, जान से मारने की धमकी दी थी, अभी इन्होंने आवेदन लिया, बोले जांच करके हम आपकी एफ आई आर करेंगे। क्या नाम है आपका? परसराम बानिया, ग्वाला। ग्वालटोली शासकीय स्कूल में जो वोटिंग हो रही है उसके लिए एक पोलिंग है वार्ड नंबर 11 का। उत्कृष्ट स्कूल में है दो पोलिंग, वहाँ मैं उत्कृष्ट स्कूल के अंदर था। मेरे को इस चीज़ के कोई संज्ञान में नहीं है और ये आरोप झूठे आरोप लगा रहे हैं, और वहाँ मेरे और भी साथी बैठे हुए, हम इतनी शांतिपूर्ण से हंसी मजाक से सभी मिलकर वोटिंग की जो रूपरेखा चल रही है उसको हम शांतिपूर्ण निपटाने के विषय में थे, हमारे को इस चीज़ की कोई संज्ञान नहीं है। क्या माना जाए, परसराम द्वारा आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं सब निराधार हैं या? बिल्कुल निराधार है, ये सफा झूठ रहे हैं। मतलब किसी प्रकार का वाद विवाद आपके संज्ञान में नहीं है? मेरे बिल्कुल संज्ञान में नहीं है। जैसा कि उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थाने पे, तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? हमने अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर, हम भी अगर उन्होंने किए है तो मैं उसकी जानकारी निकाल के मैं भी कोई कार्रवाई करूँगा। क्या नाम है आपका? मिश्रीलाल रियार, वार्ड नंबर 11। ठीक है सर।